सो व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं व्हाट्सअप का कुछ ट्रिक में बताऊंगा। नॉर्मली जो आप लोग फोटो को शेयर करते हो व्हाट्सअप पे, किसी अपने फ्रेंड के पास शेयर करते हो, तो होता है क्या कि जब भी आप फोटो को डायरेक्ट शेयर करते हो गैलरी से तो फोटो की क्वालिटी लॉस हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को सिंपल और आसान ट्रिक बताऊंगा जिसे अगर आप फोटो को शेयर करते हो किसी के पास तो दोस्तों उसकी क्वालिटी कभी भी लॉस नहीं होगी और उसकी क्वालिटी जैसा ओरिजिनल क्वालिटी है सेम वैसा क्वालिटी में जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या क्या करना है, फोटो के बिना क्वालिटी लॉस किए कैसे व्हाट्सएप पे शेयर किया जाता है और फोटो को शेयर करने का सही तरीका क्या होता है व्हाट्सएप पे, वो मैं कंप्लीट डिटेल के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देख लेना। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना ताकि हमारा कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो आप लोगों से मिस न हो पाए। दोस्तों अगर कोई मन में आपको सवाल या फिर कोई तरह की आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से मुझे जाके फॉलो कर सकते हो और अपना सवाल जवाब कर सकते हो। दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो 99% लोग व्हाट्सएप पे फोटो शेयर करना नहीं आता है और 99% लोग फोटो शेयर कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। आप लोग क्या करते हो, आपको जिनको फोटो शेयर करना है आप यहां पे जाते हो एंड गाइस यहां पे ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो एंड गाइस यहां पे ये जो आप देख रहे हो गैलरी इस पे आपको क्लिक करके एंड यहां से आप किसी को फोटो शेयर कर देती हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यह तरीका काफ़ी वेट तरीका होता है फोटो शेयर करने का, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी फोटो को शेयर करोगे उसकी क्वालिटी लॉस हो जाएगी और वह फोटो फटने लग जाएगी, ठीक है। और 99% लोग यह भी गलती करते हैं कि वह डायरेक्ट गैलरी पे चले जाते हैं एंड यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके एंड व्हाट्सएप पे चले जाते हैं एंड जिनको फोटो भेजना चाहते हैं वहाँ पे टिक करके एंड शेयर कर देते हैं। यह भी तरीका काफ़ी वैड तरीका होता है फोटो शेयरिंग करने का व्हाट्सएप पे, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्वालिटी लॉस हो जाएगी और आपकी फ़ोटो फटने लग जाएगी। तो दोस्त सही तरीका क्या है वो मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो दोस्त आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे चले जाना एंड आपको जिनको फोटो शेयर करना है उसको सेलेक्ट कर लेना एंड यहाँ पे ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना एंड यहां पे ब्राउजर अदर्स डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है एंड गाइस यहां पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ नया इंटरफेस ओपन होगा एंड यहां पे 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड यहां पे आपको सेलेक्ट कर लेना इमेजेस, इमेजेस पे आपको क्लिक कर देना है एंड गाइस जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं और आप यहां पे देख सकते हो कि सारा फाइल यहां पे ओपन हो चुका है एंड यहां पे आपने जो फोटो को जिस फाइल में रखा है उसको यहां पे सेलेक्ट कर लेना है एंड गाइस सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पे आपको सारा फोटो दिख जाएगा एंड यहां पे आप चाहो तो सभी को एक साथ भी सेंड कर सकते हो टैप करके, या फिर आप सिंगल फोटो भेजना चाहते हो तो दोस्त आपको सिंपल से उस पर क्लिक करना है और सेंड हो जाएगी। एंड इसकी साइज 4.70 MB की है और जो कि ओरिजिनल क्वालिटी में है एंड गैस इसी क्वालिटी में फोटो सेंड होगी। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो कि यह फोटो शेयर हो रहा है जो कि आप यहां पे देख सकते हो 4.7 MB के है जो कि इसकी ओरिजिनल क्वालिटी है एंड यह PDF में कन्वर्ट हो चुका है। दोस्तों अब यह फोटो कभी भी नहीं फटेगी। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे अगले न्यू वीडियो में।